हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और लैपटॉप के बारे में जो कि होने वाला एक मैकबुक होने वाली है, एप्पल की M1। इससे पहले मैं आप लोग के लिए मेरे चैनल पर और भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, अलग अलग मैकबुक अलग अलग लैपटॉप संबंधित जानकारी मैंने आपको दी है। तो आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे जो कि एप्पल की साइड से होने वाली एप्पल 2020 मैकबुक ईयर एप्पल M1। इससे पहले मैंने एप्पल M3 के बारे में जानकारी दी है। अगर आप M3 के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरा मेन मोटिव है आप लोग के लिए एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करना, जिससे आपकी हेल्प हो सके, नॉलेज एजुकेशन बढ़ सके और जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो वीडियो को एंडिंग तक देखिएगा, पूरी देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आपको इस बारे में पूरी जानकारियां मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग आजकल बहुत सारे मार्केट्स में लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से, अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लैपटॉप परचेज करें या कोई भी आइटम को परचेज करें। जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से परचेज करें, ना आप उससे ज्यादा हैवी लें ना उससे आप ज्यादा कम लें, ताकि आप जो भी इस पे काम करना चाहते हैं वो आसानी से अच्छी तरीके से कर सके। देखिए देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी क्या हाइलाइट्स होने वाले हैं। इस एप्पल M1 की जो मैकबुक है इसमें क्या इसके फीचर सबसे पहले हाइलाइट्स किए गए हैं, उस पर हम सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें एप्पल M1 का प्रोसेसर है, 8 GB की DDR4 रैम है, मैक OS का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिलता है, 256 GB SSD है और 13.3 इंच की डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है। इसके देखिए बात करते हैं डिटेल्स में, अंदर और क्या चीज देखने की मिल रही है। यहाँ पे लिखा वो बिल्ट इन ऐप iMovie, Siri, गैरेज बैंड मिलने वाला है, पेजेस नंबर, फोटोज, की नोट, सफारी, मेल, फेस टाइम, मैसेज, मैप, स्टॉक, होम वॉइस, मेमोज, नोट्स, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट रिमाइंडर, फोटो, ऐसे सारे फीचर्स इसमें, टाइम मशीन, टीवी, म्यूजिक, पॉडकास्ट, फाइंड माई डिवाइस, ऐसे सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं जो कि एक एप्पल की डिवाइस में आपको देखने मिलते हैं। वैसे सारे फीचर्स इस मैकबुक में भी आपको अवेलेबल देखने के लिए मिलेंगे। देखिए बात करते हैं जनरली क्या मिलने वाला है। 3G टैग मिलेगा जिसमें आपको मैकबुक मिलेगी एयर की, 30W का USB-C टाइप का पावर अडाप्टर इसके साथ मिलेगा आपको। इसके बाद आपको इसको USB-C चार्जर केबल मिलेगी 2 mm की और यूजर गार्ड मिलेगा, वारंटी डॉक्यूमेंट इसके साथ देखने के लिए मिलने वाले हैं। मॉडल का नंबर होने वाला है यहाँ पे 220 मैकबुक एयर और कलर होने वाला है स्पेस ग्रे। टाइप की बात करते हैं थिन एंड लाइट, ये जो मैकबुक है एप्पल की M1 जो कि थिन और लाइट होने वाली है, सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग। इसमें कोई प्रोसेसिंग का काम करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत शानदार सूटेबल ये होने वाली है। पावर सप्लाई 30W का AC अडाप्टर मिलने वाला है, MS Office प्रोवाइड। प्रोसेसर एंड मेमोरी फीचर्स कौन कौन से होने वाले हैं, प्रोसेसर का ब्रांड होने वाला एप्पल, प्रोसेसर का नेम होने वाला M1, SSD मिलने वाली है 256 GB की SSD है। SSD और ज्यादा अच्छी इसमें होनी चाहिए थी, लेकिन आप चाहें तो इसमें और भी अपग्रेड के साथ SSD मिलती है, वो आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें 256 देखने के लिए मिल रही है। रैम का टाइप होने वाला है 8 GB रैम का DDR4 टाइप की रैम है। प्रोसेसर वेरिएंट एप्पल M1 की चिप मिलने वाली है। एक्सपेंडेबल मेमोरी 16 GB की और अप टू इसमें आप लगा सकते हैं। ग्राफिक प्रोसेसर नहीं है इसमें, नंबर ऑफ कोर्स 8 है। स्टोरेज टाइप SSD के साथ निकल रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप यूज करेंगे, तब इसको आप यूज करेंगे तो मैक का OS बिग श्योर करके ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। कौन कौन से पोर्ट एंड स्लॉट अवेलेबल्स हैं ये मैकबुक में एप्पल M1 में, तो इसमें माइक इन मिलने वाला है, USB पोर्ट, 2 Thunderbolt के पोर्ट मिलने वाले हैं, USB 4 पोर्ट मिलने वाला है, सपोर्टेड चार्जिंग, डिस्प्ले पोर्ट Thunderbolt 3 अप टू 40 GBPS, USB 3.1 का सेकेंड जेन अप टू 10 GBPS का पोर्ट्स भी देखने के लिए इसमें मिलने वाला है। बात करते हैं डिस्प्ले एंड ऑडियो के क्या फीचर्स हो, मैंने डिस्प्ले एंड ऑडियो के क्या फीचर, टच स्क्रीन ये नहीं है लेकिन स्क्रीन का साइज 13.3 इंचेस है। स्क्रीन का साइज थोड़ा और बड़ा हो सकता था, 14 या 15 इंचेस, आजकल नॉर्मल लैपटॉप्स में ये साइज देखने के लिए मिलता है। स्क्रीन का टाइप होने वाला है क्वाड LED बैकलिफ्ट IPS डिस्प्ले, 227 PPI, 400 nits की ब्राइटनेस है, वाइट कलर, P3 ट्रू ट्यून टेक्नोलॉजी के साथ देखने के लिए मिल रही है। स्पीकर बिल्ट इन स्पीकर मिल रहा है, इंटरनल माइक मिल रहा है, 3 माइक एरे विथ डायरेक्शनल बैम फॉर्मिंग के लिए, बीम फॉर्मिंग के लिए देखने के लिए मिल रहा है। साउंड प्रॉपर्टीज स्टूडियो स्पीकर्स हैं, वाइड स्टूडियो साउंड, सपोर्टेड फॉर डॉलीवा एटमॉस प्लेबैक इसमें ये देखने के लिए मिल रहा है। कनेक्टिविटी वाईफाई 6 का सपोर्ट है इसमें, ब्लूटूथ 5.0 का वर्जन देखने के लिए मिल रही है। अब नीचे बात करते हैं तो 1.29 kg का इसमें वजन है ना, बहुत सही वजन है, मतलब बहुत लाइट वेट ये होने वाली है।
एडिशनल फीचर डिस्क ड्राइव नॉट अवेलेबल, वेब कैमरा 720p, फेस टाइम HD वेब कैम मिलने वाला है, पॉइंटर डिवाइस, फोर्स टच ट्रैक पैड मिलने वाला है, इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताए थे वो सॉफ्टवेयर मिलने वाले हैं, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, फोटोज, रिमाइंडर, फेस टाइम, फोटोज, नोट्स, ये सब सफारी, ये सब चीज़ें मिलने वाले हैं। एडिशनल फीचर 4.49 WHR एलियम पॉलीमर की वेटिंग देखने के लिए मिलेगी, 1 ईयर की वारंटीज वगैरह है और इसमें मैनुफेक्चरिंग डिफेक्ट कवर है, फिजिकल डैमेज इसमें कवर बिल्कुल भी नहीं है। तो लेकिन देखिए फ्रेंड, ये तो थी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स एप्पल 220 मैकबुक एयर एप्पल M1 की। इसकी अगर अप्रोक्स प्राइस की बात करते हैं 73,000 अभी अप्रोक्स इसकी प्राइस ऑनलाइन देखने की मिल रही है। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन पता कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको बेस्ट रेट मिले, बेस्ट प्राइस मिले, वहां से आप चाहे इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान दें कि वहीं से प्रोडक्ट परचेज करें जहां से आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिल सके। वारंटीज वगैरह जरूर, वारंटी कार्ड जरूर लें और GST बिल भी आप जरूर साथ लें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको सही करवा सके। तो इन चीज का आप हमेशा जरूर ध्यान दें, इसके बाद ही कोई प्रोडक्ट को परचेज करें। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में स्पेसिफिकेशन फीचर्स की बात की है। मेरा मेन मोटिव है आप लोगों के लिए ऐसा ही एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके, एजुकेशन बढ़ सके, आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल सके। अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी वीडियोज में देखना, ऐसी लैपटॉप रिलेटेड रिव्यू वीडियो को देखने में इंटरेस्ट है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोज आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।